मर्यादा देश समझ पा रहा है और उसको बार बार दर्द होता है कि ये दशा है इनकी, इनकी सोचने की मर्यादा इतनी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार ये करते रहे कि और भी विपक्ष जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की, विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे, आप लोग कहते दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूं आज, माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूं आज। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं,
वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा, 10 लोग प्रगति करें मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू, ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां।